मैंने किस तरीके से किया था, मैंने शुरुआत तो धीरे धीरे दुकानदारों का ट्रस्ट हम पे बनने लगा कि ये बंदे रेगुलर आते हैं। दोस्तों इस बिजनेस का मैं सबसे बड़ा बेनिफिट आपको दिखाता हूँ, आप वो देखिए। अब मैं आपको सेल के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इतने आइटम रखने के बाद जो हमारी सेल आती है वो रोज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको होलसेल बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि अगर आप अपना होलसेल सप्लाई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिस तरीके से मैंने शुरू कर रखा है तो उसमें आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है और आप उसको किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने अपने पूरे बिजनेस का टूर दे रखा कि मैं अपने बिजनेस को कैसे सेटअप कर रखा है और किस तरीके से मैं काम करता हूं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को पहले देख लेना उसके बाद इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक होलसेल सप्लाई बिजनेस को शुरू करने में हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है और हम उसे किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हमें किस तरीके से अपने बिजनेस को शुरू करना चाहिए। मैं आपको मोटे मोटे आइटम बता दूंगा कि इस तरीके से आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट कम से कम लगेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये नमकीन के बारे में बताता हूं, जो ये हल्दीराम की नमकीन है। हल्दीराम की नमकीन हर जगह बिकती है और आपको ये जो नमकीन है, आपको अगर आप हर वैरायटी की एक एक पेटी भी लेते हो ₹5 और ₹10 में, तो लगभग आपको 40,000 से 50,000 रुपए नमकीन में इन्वेस्ट करने होंगे। क्योंकि दोस्तों आप खुली तो लोगे नहीं, आपको एक एक पेटी ही लेनी पड़ेगी। अगर आप होलसेल बिजनेस करते हो तो नमकीन के लिए आपके 40,000 से 50,000 रुपए लगेंगे। अब मैं आपको दूसरा आइटम दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये सारी चिप्स की पेटी लगी हुई है, ले चिप्स और कुरकुरे। इनको लेने के लिए अगर आप सबकी पेटियां मंगाते हैं तो आपको 15,000 से 20,000 रुपए की कॉस्ट आने वाली है। ठीक है दोस्तों, इस बिजनेस का मैं सबसे बड़ा बेनिफिट आपको दिखाता हूं। आप वो देखिए पेटियां, वो खाली पेटियां। दोस्तों जो ये खाली पेटियां हैं, ये महीने में आपकी 5,000 से 10,000 रुपए की पेटियां खाली हो जाती है और ये इस बिजनेस का प्लस पॉइंट है। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करोगे तो ये आपको अच्छी कमाई देती है। दोस्तों अगला आइटम है बिस्किट। दोस्तों अगर आप हर कंपनी के बिस्किट खरीदते हो जो आपके एरिया में बिकते हैं, जो हमारी बिस्किटों में इन्वेस्टमेंट लगती है वो 70,000 से 80,000 रुपए लगती है। हमारे जो टोटल बिस्किट है वो 70,000 से 80,000 रुपए में आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको आगे के आइटम दिखाता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूँ। आपको जो दालें हैं वो आपकी, अगर दाल आप जो हमारी दालें आती है वो दिल्ली की खारी बाउली से आती है, जो हमारी दालें आती है वो 50,000 रुपए तक आती है। तो दालों में आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 50,000। चावलों में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 20,000। 20,000 रुपए में आपके काफी चावल आ जाएंगे, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि चावलों का कट्टा महंगा नहीं आता। उसके बाद दोस्तों अगर आप सरसों का तेल लेते हैं, सरसों का तेल आपको कम से कम, सरसों का तेल और रिफाइंड लगभग आपको 50,000 रुपए के आसपास कॉस्टिंग आएगी उसकी। उसके बाद दोस्तों जो आपके बीड़ी तंबाकू है, बीड़ी तंबाकू की जो कॉस्ट आने वाली है, दोस्तों अगर हर तरीके के आप बीड़ी तंबाकू की पूरी पेटी की पेटी या बोरे के बोरे लेते हो तब दोस्तों आपको बीड़ी तंबाकू की कॉस्ट 2,00,000 रुपए आएगी। इस तरीके से दोस्तों ये सारी कॉस्ट आपकी 5,00,000 रुपए हो गई, जो जो आइटम मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक सीधा सा फंडा बताता हूँ। कोई भी पेटी है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये इधर रिन की पेटी लगी हुई है, ये देखिए, ये जो रिन की पेटी है ये 500-600 रुपए के आसपास आती है और जो उधर घड़ी की पेटी लगी हुई है, घड़ी की पेटी भी 600-700 रुपए के आसपास आती है। ठीक है, जो घड़ी का सर्फ है वो 600-700 रुपए के आसपास आता है। तो इस तरीके से ये कोई 600-700, और अगर आप साबुन लेने जाओगे जैसे डिटोल साबुन है वो 2500 के आसपास आता है, जो लाइबॉय साबुन है वो 1600-1700 रुपए के आसपास आता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप एवरेज मानोगे एक पेटी की, आप एवरेज 1,000 रुपए मान के चलो, ठीक है, आप 1,000 रुपए एक पेटी की एवरेज मानते हो, अगर आप 5,00,000 के बाद 2,00,000 रुपए और इन्वेस्ट करते हो, दोस्तों अगर आप हर प्रोडक्ट की 2 पेटी भी लेते हो तो आप 100 प्रोडक्ट और खरीद सकते हो। जो प्रोडक्ट मैंने बता दिया उसके बाद 2,00,000 रुपए में आप 100 प्रोडक्ट और खरीद सकते हो, अगर एक प्रोडक्ट की आप 2 पेटी खरीदते हो। दोस्तों जो आपकी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, आप 7,00,000 रुपए में इस बिजनेस को बड़े अच्छे से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको सप्लाई के लिए ई रिक्शा या कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट में रहेगा, क्योंकि पेट्रोल, दोस्तों अगर किसी भी व्हीकल में पेट्रोल डल के अगर आप उसे चलाते हो तो दोस्तों उसमें आपका खर्चा बढ़ जाएगा।
ठीक है, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए और उससे ही सप्लाई करवाइए। अब मैं आपको सेल के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इतने आइटम रखने के बाद जो हमारी सेल आती है वो रोज की 50,000 से 60,000 रुपए सेल आती है। इस तरीके से दोस्तों अगर आप भी करोगे तो आपकी भी अच्छी सेल आएगी। आपको बस मार्केट में रेगुलर रहना है। मैंने किस तरीके से किया था, मैंने शुरुआत में ई रिक्शा लेके किराए की ई रिक्शा ली थी, उसी से मैं कहीं से चिप्स लेके आया था, उससे मैंने माल सप्लाई करवाना शुरू किया था। दोस्तों मैं खुद नहीं कर सकता था, मैंने इसीलिए मेरे पास एक बंदा था, उसको भी काम नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, मैंने उसको ई रिक्शा दी, चिप्स दी और एक दो आइटम और ला के दिए, उसको सप्लाई पे भेज दिया ई रिक्शा लेके। वो दुकानों पे सप्लाई करने लगा। कुछ दिनों तक उसी में मैं आइटम बढ़ाता गया, उसी ने अपने आप वो सप्लाई करता रहा। तो धीरे धीरे दुकानदारों का ट्रस्ट हम पे बनने लगा कि ये बंदे रेगुलर आते हैं। फिर दोस्तों हमने एक बार ही इसमें इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद हम सीधा दुकानदारों से ऑर्डर, एक बार हमने एक स्लिप चिपकाई दी। मैं आपको स्लिप दिखा देता हूँ, अगर यहाँ कहीं होगी तो। ये मैंने मोबाइल नंबर कट कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्लिप है। इस तरीके की स्लिप हमने बनवाई और जो भी दुकानदार होते अलग अलग दुकानों पे गए, सब दुकानों पे ये स्लिप हमने चिपका दी कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट मंगाना है तो आप हमारे इन नंबरों पे कॉल करके हमसे प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। हर दुकान पे दो दो तीन तीन स्लिप हमने चिपका दी कि दुकानदार को दिखता रहे और उसे याद रहे कि उसे कोई भी प्रोडक्ट मंगाना है तो वो मंगा सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने अपनी जर्नी को शुरू किया था और हमने इस बिजनेस को की स्टार्टिंग की थी। दोस्तों स्टार्टिंग हमेशा छोटे से ही होती है, फिर धीरे धीरे करके हम उसे बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। मैं इस स्लिप को आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप वहां से इसे देख लेना। दोस्तों अगर आप भी इस तरीके का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों 7 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करना होगा, कम से कम 7 लाख रुपए। आप मान के चलिए कि 7 लाख रुपए में आपका काम शुरू हो जाएगा। पर दोस्तों आप जैसे मार्केट में हमारे पैसे लगे हुए, किसी के पास हमारे 2,000-2,500 जो जिस हिसाब से माल लेता है, कोई 10,000 लेता है तो उस हिसाब से पैसे रुके हुए, कोई 20,000 का लेता है तो उस हिसाब से रुके हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे पैसे भी मार्केट में रुके हुए, पर हमारा काम रेगुलर चलता है। क्या होता है, जब हम एक काम को रेगुलर करते रहते हैं तो हमारा पैसा भी रुक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, नेक्स्ट टाइम हमें कैश मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये मार्केट में शुरुआत में दिक्कत आती है बेचने का। आप पूछते हो ना बेचने का क्या तरीका, बेचने का सिर्फ यही तरीका है कि आपको मार्केट में रेगुलर होना पड़ेगा। जब आप मार्केट में रेगुलर हो जाओगे तब आप आराम से अपने प्रोडक्ट को बेच लोगे। अगर आपसे दुकानदार एक बार नहीं लेता, आप उसके पास दो बार जाओ, दो बार नहीं लेता 10 बार जाओ, 10 बार नहीं लेता, आपका काम है जाने का, एक ना एक दिन वो आपसे लेगा जरूर। पर आपको दुकानदार के पास रेगुलर जाना पड़ेगा। जब आप रेगुलर जाओगे तभी बात बनेगी, उससे पहले बात नहीं बनेगी। दोस्तों अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ करना है, तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। आप किसी भी बिजनेस में रेगुलर होगे तभी बात बनेगी। दोस्तों बिना रेगुलर के आप बिजनेस को नहीं कर पाओगे। दोस्तों अगर मुझसे बताने में कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, लेट ही सही दोस्तों, पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।